हेलो फ्रेंड्स यार, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आई है। इंग्लिश क्लास 12th का पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। यार देखो, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो उसमें जो मेजर मेजर चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं, या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे या कम होंगे, टाइपोलॉजी कैसी होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने इस साल इंग्लिश के पेपर के लिए चेंजेस करें, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो माय नेम इज सर्च एंड टुडे आई विल टेल यू ऑल द चेंजेस दैट हैव बीन मेड फॉर इंग्लिश क्लास 12th एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। यार देखो, चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं। मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग और रिवाइज दोनों दिखाया, जो कि सीबीएसई ने खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। भाई देखो किस किस तरीके से होगा। पहले क्या होता था, पहले दो पैसेज आते थे 1100 से लेके 1200 के वर्ड्स के बीच में, और एक पैसेज आता था 400 से 500 के बीच में, वर्ड्स के बीच में। और इस साल जो भाई रिवाइज पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसमें क्या होगा, इस बार सिर्फ आपके दो ही पैसेज होंगे, दो पैसेज होंगे। पहला पैसेज भी 800 से लेके 900 वर्ड्स के बीच में होगा, और दूसरा भी 800 से लेके 900 वर्ड्स के बीच में ही रहेगा। यार देखो फायदा क्या है, इससे पहले आपको तीन पैसेज सॉल्व करने पड़ते थे, इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ दो पैसेज सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें आपको टाइम बचेगा। टाइपोलॉजी क्या रहेगी क्वेश्चंस की, पहले 6 MCQs आते थे 1 mark each, इस साल क्या होगा, इस साल 5 MCQ होंगे 1 mark each। पहले 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे, जिसमें भाई क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिफिकल्ट रहने के चांसेस रहते थे, जिनमें एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता था, एंटोनिम बताओ, सिनोनिम बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। इस साल क्या होगा, इस साल सिर्फ और सिर्फ 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन भाई वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। यार देखो, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ तो नहीं होते, लेकिन उनमें मार्क्स मिलना बहुत ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए ना उसका आंसर क्या है और आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो 3 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो पहले एक होता था, अब 3 होंगे। जो पहले एक होता था वो 3 मार्क्स होता था, अब 3 होंगे, 2 मार्क्स each। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता था, इस साल 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स each। यार देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या फायदा होता है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपने कुछ ना कुछ लिखा है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको 5 में से कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे ही। तो इस साल फायदा ये होगा, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करो, 24 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 30 मार्क्स। भाई 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे सेक्शन ए में, सेक्शन ए यानी कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन। इस साल क्या होगा, इस साल 5 क्वेश्चन कम करके 19 क्वेश्चन होंगे, और जो मार्किंग सेम रहेगी वो सेम रहेगी, 30 मार्क्स। पहले भी सेक्शन ए 30 मार्क्स का होता था, अब भी सेक्शन ए 30 मार्क्स का रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं इस साल। टोटल अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन देखूँ पेपर में, तो 40 क्वेश्चन थे पिछले साल तक, अब 35 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 क्वेश्चन कम हो गए। और जो 5 क्वेश्चन ये कम है वो सेक्शन वन से ही रिड्यूस हुए हैं, पहले 24 क्वेश्चन आते थे, अब 19 क्वेश्चन आएंगे। भाई इससे बेनिफिट ये रहने वाला है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर रिड्यूस हो रखे हैं, तो आपको जो टाइम है वो थोड़ा सा बचेगा। यार देखो, अब बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, सो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाओ, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331। आप मुझे कभी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, बोर्ड के लिए टाइम कम बचा है, प्रिपरेशन अपनी तेजी से रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।